अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यदि आप कतर में रहते हो और कतर के अहमतरीन खबरों से हमेशा वाकिफ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को बिना स्क्रिप का पूरा देखिए। चैनल पे नए हो या फिर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा फ्री में दोस्तों मिलती रहे। तो साथियों, आज के वीडियो में दोस्तों सबसे पहली जो खबर जो कतर से साथियों आपको लेकर आए, साथियों बताना चाहूंगा आपको, कतर रेसिडेंट्स नॉट रिक्वायर्ड टू ब्रिंग पीसीआर टेस्ट। दोस्तों कतर के जो रेसिडेंट्स है, यदि वो लोग अब कतर लौट कर वापस आते हैं कहीं पे जाते हैं, तो उन लोगों को पीसीआर टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है। पीसीआर टेस्ट उन लोगों को अब छूट दे दी गई है। ये सिर्फ दोस्तों लागू होता है कतर रेसिडेंट्स वालों के लिए, यानी जो कि वहां जो वहां के रहने वाले लोग हैं जिनके पास रेसिडेंस का आईडी प्रूफ है वही लोगों के लिए दोस्तों ये लागू होता है, बाकी सभी के लिए लागू ये नहीं होता है। तो जो भी रेसिडेंट्स हैं उन लोगों को पीसीआर टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है। अगली खबर के साथियों चलते हैं। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है एमओपीएच की तरफ से आ रही, यानी मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ की तरफ से आ रही। मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ की तरफ से दोस्तों ये ट्वीट करके आज के दिन बताया गया कि 10 दिनों के अंदर, यानी कोरोना का दोस्तों एमओपीएच की तरफ से कहा गया कतर में 10 दिनों से 43% की गिरावट आई है केसेस में, यानी कोरोना वायरस की जो केस लगातार पहले बढ़ रहे थे वहीं पे 10 दिनों के अंदर 43% केस जो वो घटे हैं। तो अब मान के चल सकते साथियों कतर की स्थिति जो है पहले से काफी बेहतर हो गई है और बहुत ही जल्दी दोस्तों नॉर्मल नॉर्मल की स्थिति में आ जाएगा और बहुत ही जल्दी सारे कुछ को पहले जैसा ओपन कर दिया जाएगा। आपको जैसा कि पता है कि वहां पे जितने रेस्ट्रिक्शन लगाए गए थे धीरे धीरे 90% रेस्ट्रिक्शन को हटा दिया गया है, चाहे वो एक्सपर्ट हो, चाहे वहां के रेसिडेंसी हो, चाहे वो सिटीजन हो, सभी के लिए वहां पे रेस्ट्रिक्शन को धीरे धीरे हटाया जा रहा है। अगली खबर के साथ ही चलते हैं। अगली खबर दोस्तों जो आ रही करीम की तरफ से, दोस्तों आपको पता ही हो करीम के बारे में, आपको पता ही होगा यदि आप कतर में रहते हो तो करीम की तरफ से एक नया सर्विस लॉन्च किया गया, फूड डिलीवरी सर्विस। जी हां साथियों, करीम ने कल के दिन अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे ट्वीट करके बताया कि नया सर्विस लॉन्च किया जा रहा है फूड डिलीवरी का, यानी खाने पीने के सामानों को दोस्तों वो आपके घरों तक वो डिलीवरी करेंगे। इसके लिए अलग अलग चार्ज उन्होंने बैठाया है। तो दोस्तों यदि इसके बारे में पूरे डिटेल से पढ़ना आपको है तो करीम के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इसके बारे में पूरे डिटेल के साथ आप पढ़ सकते हो। अगली खबर के साथ ही चलते हैं। अगली खबर दोस्तों जारी साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी रशिया और यूक्रेन के बीच दोस्तों काफी विवाद चल रहा है, जंग का माहौल दोस्तों बन चुका है, दोनों तरफ से हवाई हमले किए जा रहे हैं। तो दोस्तों यूक्रेन का जो एम्बेसी है कतर में, आज के दिन दोस्तों देखा गया कि यूक्रेनियन लोग वहां पे एम्बेसडर पहुंच के वो लोग रशिया का विरोध कर रहे थे और वार को रोकने के लिए लगातार उन लोग वहां पे वार को रोकने के लिए वहां पे गुजारिश कर रहे थे। तो यदि यूक्रेन के एम्बेसी आपके पास दोस्तों अगल बगल होगा तो आपने ये चीज वहां पे जरूर देखी होगी। तो आज के दिन दोस्तों ये चीजें देखने को मिली है। अब दोस्तों चलते हैं अगली खबर की ओर। अगली जो खबर दोस्तों आ रही है वो बहुत ही बड़ी खबर है, क्योंकि साथियों जैसा कि आप लोगों को पता है कतर जो है वो नया दोस्तों नया लिस्ट वो है वो जारी कर दिया गया, नया पॉलिसी को वहां पे अपडेट किया गया आज के दिन। तो दोस्तों पॉलिसी के बारे में दोस्तों मैं अगले वीडियो में पूरे तफसील के साथ आपको बताता हूं, पर दोस्तों एक छोटी सी इसमें अपडेट आपको ये बता देता हूं कि कतर चेंज कोविड-19 कंट्री लिस्ट, 9 कंट्री इन रेड हेल्थ मेजर लिस्ट। दोस्तों 9 कंट्रियों को रेड हेल्थ मेजर लिस्ट में डाला गया है। तो दोस्तों 9 कंट्रियां कौन कौन सी मैं आपको नाम बता देता हूं। पहला कंट्री दोस्तों इसमें बांग्लादेश को डाला गया, इजिप्ट को, जॉर्जिया, इंडिया को दोस्तों डाल दिया गया है, जॉर्डन को, नेपाल को, पाकिस्तान, फिलीपींस और श्रीलंका। तो ये 9 देशों को दोस्तों रेड हेल्थ मेजर लिस्ट कंट्री में, सभी कंट्रियों को डाला गया है। अगली खबर की ओर साथियों चलते हैं। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो भी साथियों बहुत ही अच्छी खबर आ रही है। साथियों बताना चाहूंगा कतर की जो स्टूडेंट है उनकी एक टीम ने दोस्तों एक अवार्ड जीता है जो कि दोस्तों बेस्ट क्रिएटिव आइडिया फ्रॉम गल्फ हेल्थ काउंसिल में, दोस्तों उनके लिए वहां पे अवार्ड कंट्रियों ने दोस्तों स्टूडेंट ने जीता है। तो इसके लिए काफी ज्यादा दोस्तों कतर के आमिर की तरफ से बधाइयां उन लोगों को दी गई। अब दोस्तों एक अपडेट और मैं आपको बताता हूं कि पूरी पॉलिसी को फिर से चेंज किया गया है कतर की। यदि आप ट्रैवल करते हो, कतर जाते हो, तो पॉलिसी को पूरी तरह से चेंज कर दिया गया है। इसके बारे में दोस्तों पूरी जानकारी आपको चाहिए तो आप एमओपीएच की ऑफिशियल वेबसाइट पर वहां जाके आप बढ़िया से पढ़ सकते हो। पूरी डिटेल में वहां पे दिया गया है क्वारंटीन, वहां पे आप क्वारंटीन मान के चलिए दोस्तों बहुत चीजों में वहां पे कमी कर दी गई है और बहुत सारी चीजों में छूट दी गई है। तो दोस्तों ये कुछ अपडेट्स थी, कुछ खबरें थी जो कतर से आ रही थी, मैंने अब तक शेयर किया। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी, और वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और भी लोगों को इसकी जानकारी हो सके। मिलते साथियों नेक्स्ट वीडियो पर। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।